खुशियों के ये पल आज है और है कल, हम इस पल को जी ले। कुछ खा पी ले, पिज्जा पॉइंट कनगौर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। आदर्श नगर क्षेत्रवासियों ने पेयजल किल्लत को लेकर पृथ्वीराजपुरी गणेश नगर के आसपास के क्षेत्रवासी पिछले काफी समय से पानी की समस्या से त्रस्त हैं। क्षेत्रवासियों ने आदर्श नगर पंप हाउस पर प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों का नेतृत्व कर रहे कांग्रेसी नेता मनीष सेन और कांग्रेस अभियोग प्रकोष्ठ के शहर अध्यक्ष ईश्वर टहलियानी ने बताया कि क्षेत्रवासी काफी लंबे समय से पानी की समस्या से परेशान है। नियमित सप्लाई नहीं होने से कम प्रेशर से पानी आने से लोग परेशान है। अधिकारियों को फोन किया जाता परंतु अधिकारी फोन नहीं उठाते। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है, हमारे क्षेत्र के पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं की तो क्षेत्रवासियों द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी खुद जलदाय विभाग की होगी। क्षेत्रवासी सिटी कॉलोनी पंप हाउस पर प्रदर्शन कर रहे हैं। समस्या को लेकर हमने आदेश नगर सिटी कॉलोनी पंप हाउस पर प्रदर्शन किया है। हमारे यहाँ पे जो आदेश नगर जो एरिया है, पृथ्वीराजपुरी गणेश नगर, ये पास पास की जितनी भी कॉलोनियाँ यहाँ पे करीबन लगभग एक महीने से पानी की सप्लाई जो आ रही है बहुत धीमी गति से आ रही है, बहुत धीरा प्रेशर आ रहा है। कभी कभार तो पूरी गर्मियों के अंदर बिल्कुल पानी के अंदर हमारे को बहुत दिक्कत आई है। अभी पिछले एक महीने से जबकि बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में हमारे को आज तक इतने साल यहाँ पे रहते हुए हो गया, हमारे को आज तक पानी के लिए मतलब परेशानी नहीं उठानी पड़ी है। पर इसी बारिश के अंदर हमारे को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है कि हमारे को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। अधिकारियों को फ़ोन करते हैं तो अधिकारी सप्लाई के समय फोन उठाते नहीं है। और पानी की समस्या में आए और हमारे पानी नहीं आ रहा है और इसमें सिविल लाइन का बिल भी जुड़ जुड़ के आ रहा है। हम बिल तो डबल डबल भर रहे हैं पर हमारे पानी नहीं आ रहा है और सिविल लाइन का किस बात का हमारा बिल भरे। हम गरीब आदमी है, हम कहाँ से लाएंगे? हम रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, अब इसमें बिल में भरे हम, क्या पानी परेशानी होती है हमारे लिए। अब काम पर जाए तो पानी नहीं आवे और टाइम टाइम पर कोई पानी नहीं, मतलब कोई टाइम नहीं है पानी का, किस टाइम पर खोले किस टाइम पर, कभी 6 बजे खोल देता है तो कभी 8 बजे खोलता है, कभी 10 बजे खोलता है। ये कोई तरीका थोड़ी, हम काम से भी बचाता है। अगर ये जो एरिया है उसमें पानी की टंकी बनी हुई है और उसी एरिया के लिए बनी हुई थी कांग्रेस सरकार में, लेकिन अभी जो 2 महीने से स्थिति हो रही है कि 15 मिनट से ज़्यादा सप्लाई नहीं आती है। ऊंचा पहाड़ी में मकान लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और वो सप्लाई क्यों नहीं आ रही है? इन्होंने वो जो पानी था उसको उठा के और शालीमार कॉलोनी में इधर लाइन डाल दी। हमें 10-15 मिनट से वहाँ कच्ची बस्ती है, गरीब लोग निवास करते हैं, कोई सुनवाई नहीं। अधिकारी को कहते हैं कोई सुनवाई नहीं करते हैं। अधिकारी को अभी भी हम जो आए अधिकारी से वार्ता करने आए तो कोई जिम्मेवार अधिकारी यहाँ पर नहीं है। मतलब इन्होंने इतना, एक एक घर में दो दो कनेक्शन है, एक कनेक्शन का बिल का पैसा देते हैं, एक कनेक्शन फर्जी लगा रखा है, इनकी कोई जांच। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।